स्वागत है आप सभी का सिविल ज्ञान में, सपनों की इस उड़ान में स्वागत है आपका सिविल ज्ञान में। तो मैं अभी DFCCL JEE का फॉर्म भर रहा था, तो उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन वीडियो मुझे लगा कि आपको बता वीडियो के माध्यम से बता दूं। तो ये बात ये रहने वाली है कि जब आप फॉर्म भरने जाओगे तो फॉर्म स्टार्टिंग में तो इजिली स्मूथली भर जाएगा, जब आप फॉर्म भरने के समय जब आप लास्ट स्टेप पर जाओगे जहाँ अपलोडिंग सिस्टम आता है, जहाँ पर आपको पेमेंट करना होता है, तो वहाँ पर ध्यान रखना ये सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी पड़ेगी। आप पहले से इसको जो है इकट्ठा कर लीजिए। जैसे कि सबसे पहले आपको फ़ोटो लगेगी, वहाँ पे आप देख लीजिए खुद, मैं यहाँ पे देखूँ। जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करने पे जाओगे, डॉक्यूमेंट अपलोड करने में क्या क्या लगेगा आपको, तो यहाँ पे लिखा हुआ है अपलोड द स्कैन कॉपी ऑफ द रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, मतलब आपको पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई साइज वगैरह नहीं लिख रखा है। अपलोड योर स्कैन सिग्नेचर, आपको सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड योर लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, आपको बाएँ हाथ के अंगूठा का निशान भी अपलोड करना पड़ेगा। और दूसरी बात, यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि आपको साथ ही साथ में अपलोड योर स्कैन 10 क्लास सर्टिफिकेट या मार्कशीट, आपकी 10वीं क्लास की जो मार्कशीट होगी उसको अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड योर इसेंशियल क्वालिफिकेशन मार्क सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड योर कास्ट सर्टिफिकेट, आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट उसको अपलोड करना पड़ेगा। और याद रखना, कास्ट सर्टिफिकेट 1 साल से भी पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास नया नहीं है तो आप नया बनवा लीजिए, उसके बाद अप्लाई करिए फॉर्म को, क्योंकि अभी टाइम है 19 जून लास्ट डेट है, तो आपके पास अभी अच्छा खासा टाइम है, आप तब तक बनवा सकते हो, 7 दिन के अंदर बन जाता है। तो पूरा 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, तो उस बात को भी ध्यान रखना। ये सारी चीज़ें आपको अपलोड में लगेगी, बाएं हाथ के अंगूठे के निशान भी लगने वाला है, तो इस बात को भी ध्यान रखना। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हुई। अगर और भी कोई समस्या अगर आपकी आती है तो इस चैनल के माध्यम से आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।